ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम रील्स पे हर रोज़ कुछ ऐसे वीडियो आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हैं और आप उस पर वीडियो बनाते हो तो देन लाखों करोड़ में आपके लाइक्स एंड व्यूज़ फॉलोवर्स होते ही रहते हैं। तो गाइज, आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले भाई मेरा नाम जान लो, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हो विजय ठाकुर टैग। तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। सो हे गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए मैं उस इफेक्ट हैशटैग या फिर ऑडियो का नाम बता देता हूँ। तो गाइज, ये इन्फिनिटी नाम का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स पे ट्रेंड कर रहा है और जिन्होंने BOI कर लिया है उन्हें भी हैशटैग में ये वाला वीडियो इन्फिनिटी हैशटैग पे वीडियो बनाने को मांगा होगा। सो गाइज, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वीडियो कौन सा है। सो गाइज, पहले वीडियो देख लेते हैं। तो गाइज, कॉपीराइट की वजह से मैंने इसे म्यूट रखा है। सो गाइज, मैं इसी वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका ट्यूटोरियल यानी कि एडिटिंग मैं अभी बताऊंगा, सो बने रहो। सो गाइज, सबसे पहले आपको इस टाइप के दो वीडियो को कैमरे से रिकॉर्ड करने होंगे। एंड गाइज, जो एडिटिंग के लिए जो हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन का नाम आप जानते हो, KineMaster है गाइज। सो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। सो वेलकम बैक गाइज, मैं अभी एडिटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइज, मैं क्या किया, अपना जो दोनों जो क्लिप था मैंने उसे ले लिया गैलरी से, आप भी पहले ले लेना। एंड जो साउंड है उसे भी मैंने ट्रिम करके रखा था। तो ट्रिम कैसे करना है गाइज, वो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं मीडिया में जाता हूँ। मीडिया में जाने के बाद, जैसा कि गाइज आपको पता है कि कैसे हम साउंड को बाहर निकालते हैं, तो इसके लिए जो डाउनलोड किए हैं ना उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइज, हम इसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं साउंड को, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद गाइज क्या किए, हम यहाँ पे इसे बैठा दिए, देन वो पुराने वाले को मैंने डिलीट कर दिया। जो भी पार्ट मुझे लेना है उसे मैं लूँगा यहाँ पे, एंड जो पार्ट मुझे हटा देना है उसे मैं भी रिमूव करूँगा। सो गाइज, देखते हैं कि कहाँ से मेरे को लेना है। तो उस साउंड के क्लिप के जैसे आपको देखना होगा कि किस टाइप से क्लिप बजता है, वहाँ से आपको लेना है। देन आपको अचानक से उसे हटा के, जैसे ये आपका मूवमेंट हुआ, ठीक है, इसी मूवमेंट के साथ आपका जो नेक्स्ट है वो उसका मूवमेंट होना चाहिए। तो गाइज, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो गाइज इसके लिए क्या करते हैं ना कि पहले देख लेते हैं कि हमें कहाँ से लेना है, ठीक है। सो उस पर क्रॉप करेंगे, और सबसे पहले गाइज इसका जो साउंड जो है सबके वीडियो का उसको आप कम कर देना, ठीक है, मतलब म्यूट ही कर देना। आपका जो कैमरे में जो रिकॉर्ड हो गया होगा वॉइस से म्यूट कर देना फुल्ली। सो ऑलराइट गाइज, मुझे यहाँ से लेना है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसको क्रॉप करते हैं गाइज यहाँ से, और ये पहले मैच कर लेते हैं ऑडियो मेरा, ठीक है। अब गाइज देख, जैसे गाइज आप देख पा रहे हो कि सो गाइज, मैं सोच आता हूँ ना थोड़ा सा ये आगे से ऐसे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको जूम कर लिया। जूम करने के बाद गाइज आप देख पा रहे हो कि मतलब कुछ खास नहीं लग रहा होगा अच्छा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लैक करते हैं। ब्लैक कैसे करना है, पहले कलर फिल्टर में जाएंगे। कलर फिल्टर में जाने के बाद कॉल पे जाते हैं, यहाँ से इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं गाइज। सेलेक्ट करने के बाद गाइज आप चाहो तो इसको एडजस्टमेंट से हम इसको ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है इसका, तो ये कम हो गया। देन ब्लैक, पूरा स्क्रीन ब्लैक हो चुका है। सो आप चाहते हो कि इस टाइप से वीडियो बनाएं तो ब्लैक स्क्रीन हम ऐसे ही करते हैं, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद गाइज हम इसे भी सही करते हैं, इसमें फिल्टर नहीं डालेंगे गाइज, बट ब्राइटनेस इसका कम करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देते हैं, एंड सैचुरेशन को, सैचुरेशन आप अपने हिसाब से रखना जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैं इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा और अच्छा लगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ लेयर पर जाएंगे। लेयर पर जाने के बाद हम स्टिकर में जाएंगे। स्टिकर पर गाइज मैंने मिस्टीरियस फॉग को डाउनलोड कर रखा है, वो भी KineMaster से ही। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना होम का ये हट वाला जो आइकन, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइज जब यहाँ पे टाइप करोगे तो वो आ जाएगा। सो हम गाइज यहाँ से फाइनली इसे हम चूज कर लेते हैं, ये सही नहीं है गाइज। तो मतलब जो आप इस पर परफेक्ट लगे आप उसको चूज कर लेना। तो मैंने इसे चूज कर लिया है, बहुत ही अच्छा है, मैंने इसे देख चुका है, ठीक है। सो एक से तो काम बनने वाली है नहीं, तो दो तीन मैंने यहाँ इसे लगा दिया है हमारे वीडियो पे। सो फाइनली इसका व्यू मैं दिखा देता हूँ गाइज। द
देन गाइज हम अभी से एक्सपोर्ट करेंगे, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे डायरेक्ट सेव कर लेते हैं गाइज, और सेव करने के बाद आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी, देन आप हैशटैग के साथ अपलोड कर देंगे।